गोल्ड की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा गोल्ड में करीबन 1.74% की तेजी के साथ गोल्ड का लेवल करीब 45,418 के स्तर पर बंद हुए। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने शार्प रिकवरी देखी और करीबन गोल्ड के भाव 1733 डॉलर पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। इसी हफ्ते में हमने देखा था कि गोल्ड ने करीबन 1677 डॉलर स्तर के लो मारे थे और वहीं से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिली। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरह डॉलर में वीकनेस देखने को मिली और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली, उससे गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकल चार्ट से भी देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है। हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले हफ्ते में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते के लिए एक्सपेक्टेड है गोल्ड के भाव 46,500 तक के लेवल दिखा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में 1750 डॉलर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 1750 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 1780 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी। सिल्वर में जहाँ हमने पिछले हफ्ते 23.76 डॉलर के लेवल देखे थे, वहीं से हमने एक रिकवरी होते हुए देखी और सिल्वर के भाव करीबन ऑलमोस्ट 25 डॉलर के आसपास बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और सिल्वर के भाव करीबन 0.44% की गेंस के साथ 65,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। सिल्वर के भाव भी यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड से सपोर्ट मिलता हुआ चांदी में भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड है चांदी के भाव अगले हफ्ते भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड है चांदी के भाव में करीबन 66,500 से लेकर 67,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में पिछले हफ्ते थोड़ा मिलाजुला रुख देखने को मिला। हालांकि कॉपर में करीबन 0.64% की गिरावट देखने को मिली और कॉपर के भाव करीबन 669.40 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो जिंक के अंदर करीबन 0.86% की गिरावट रही और करीबन 218.30 के स्तर पर जिंक के भाव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है और एल्युमिनियम के भाव हमने लोअर लेवल से तेज़ी से रिकवर होते हुए देखे और करीबन 178.15 के स्तर पर एल्युमिनियम के भाव बंद होने में कामयाब रहे। अगर हम ओवरऑल सभी बेस मेटल को देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छुटपुट गिरावट के साथ देखने को ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पर हम देखें तो डिमांड कम होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली और एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते मार्केट में कुछ एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कॉपर के भाव एक्सपेक्टेड है नीचे में करीबन 660 और ऊपर में करीबन 675 के स्तर पर मूव कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में भी हमने लोअर लेवल पे बढ़त बनते हुए देखी है। हालांकि जिंक के भावों में कुछ मिला जुला रहा है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन 215 के आसपास सपोर्ट लेवल है और ऊपर में करीबन 221 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 215 और 221 के बीच प्राइस मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो हायर लेवल पर जिंक में बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट आते हुए देखा और निकल के भाव कल हमने देखे पिछले हफ्ते करीबन 0.5% के गेंस के साथ बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर हम पिछले 3 हफ्तों से रेगुलरली एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है निकल के अंदर इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। निकल में एक्सपेक्टेड है भाव करीबन ऊपर में 1230 से लेकर 1250 तक के लेवल को छू सकते हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्योंकि एनर्जी सेगमेंट काफ़ी वॉलेटाइल रहा, क्रूड ऑयल के भाव हमने देखे यहाँ पर 1.30% के गेंस के साथ बढ़त के साथ बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी वहाँ पर हमने रिकवरी होते हुए देखी। पिछले हफ्ते हमने देखा ओपेक की मीटिंग में यहाँ पर इन्होंने मई से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात देखने को मिली, तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में मई जून जुलाई के महीनों में हम यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखेंगे, तो हो सकता है कि तब क्रूड में कुछ गिरावट देखने को मिले। हालांकि अभी हम देखें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से एक्सपेक्टेड है क्रूड के भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रूड की जो डिमांड है वो यहाँ पर कुछ कम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं देखें तो आगे सप्लाई बढ़ेगी और अभी क्रूड की डिमांड कम है तो भावों में कुछ हायर लेवल में बिकवाली देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर में 4700 और नीचे करीबन 4400 एक सपोर्ट जोन है और 4700 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर हायर लेवल पर बिकवाली क्रूड में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हमने देखा पिछले हफ्ते नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में हमने काफ़ी बढ़त बनते हुए देखी। हालांकि पिछले हफ्ते नेचुरल गैस के भावों में करीबन 1.52% के गेंस बनते हुए देखे, साथ में यहाँ पर इन्वेंट्री बनती हुई देखी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भावों में अगले हफ्ते हायर लेवल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। समर सीजन में इन्वेंट्री बिल्डअप हो सकती है और डिमांड कम रह सकती है। इन्वेंट्री हमने बढ़ती हुई देखी है। एक्सपेक्टेड है नेचुरल गैस के भावों में अगले हफ्ते कुछ गिरावट देखी जा सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए हमें लगता है कि नेचुरल गैस में हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। यहाँ पर नीचे में सपोर्ट करीबन 180 का रहेगा और रेजिस्टेंस 199 का रहेगा। यहाँ पर ट्रेडर हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं।
नाउ अगर अब हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ मिलाजुला रूप देखा। हालांकि अगर हम जीरे की बात करें तो यहाँ पर करीबन 2% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के अंदर भी हमने करीबन 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखा। कोरिएंडर की तरफ देखें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पर कारोबार रहा। हालांकि यहाँ देखें तो हम जीरे में इस बार एकरेज काफ़ी कम है और यील्ड भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिली है, तो एक्सपेक्टेड है जीरे के भावों में लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जीरा में निचले स्तरों पर सपोर्ट करीबन 14,100 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 15,200 का रहेगा। तो जीरा के अंदर अगले हफ्ते के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। फंडामेंटली काफ़ी सपोर्ट हमें दिखता है और टेक्निकली भी भावों में रिट्रेसमेंट जोन आया है जहाँ पर हम खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। टर्मरिक की अगर बात करें तो टर्मरिक के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। टर्मरिक के अंदर अगर हम देखें तो करीबन 8,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 8,700 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे भाव अगर आते हैं 8,200 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, साथ में टेक्निकली भी देखें तो काफ़ी अच्छे टेक्निकल पैरामीटर बने हैं जिससे भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में नीचे करीबन 6,800 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 7,400 का रेजिस्टेंस रहेगा। कोरिएंडर में भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हमने करीबन 2.61% के गेंस के साथ ट्रेड होते हुए देखा। भाव करीबन 4,880 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कैस्टर में यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने से कैस्टर को मजबूती मिलती हुई दिखाई दी है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेड है 5200 रुपये तक के लेवल कैस्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर अगले दिन हमने एक शार्प रैली बनते हुए देखी। सोयाबीन के भावों में हमने रिकवरी आते हुए देखी और भावों ने करीबन ऐतिहासिक हाई 6,218 का बनाते हुए देखा गया। सप्लाई कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी सोयाबीन के भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और भाव ऊपर करीबन 6,500 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। रिफाइंड सोया की जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। एक्सपेक्टेड है रिफाइंड सोया करीबन 1.69% की गेंस के साथ बढ़त के साथ बंद होते हुए देखे गए। 1284 के स्तर पर भावों में तेजी देखने को मिली। हमें लगता है कि रिफाइंड सोया के भाव अब 1300 के स्तर को ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे और अगले हफ्ते रिफाइंड सोया में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। सरसों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हमने डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल बढ़ते हुए देखी है। हरियाणा और पंजाब की मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है और आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर हायर लेवल में बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि इस हफ्ते करीबन 1.08% की गेंस के साथ सरसों के भाव 5801 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर हमें लगता है हायर लेवल में बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो सरसों के अंदर हायर लेवल में बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है और एक्सपेक्टेड है सरसों के भावों में करीबन 5600 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर हमने एक गिरावट बनते हुए देखी है। पिछले अगर हम 3 से 4 हफ्तों की बात करें तो वहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है और नई क्रॉप की आवक आने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार सीड ग्वार गम में आने वाले दिनों में ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ग्वार सीड में एक्सपेक्टेड है करीबन 3,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वार गम में करीबन 5,200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो ग्वार सीड ग्वार गम के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर भी हमने हायर लेवल से यहाँ बिकवाली आते हुए देखे और भाव हालांकि 0.52% के गेंस के साथ 5,023 पर बंद होते हुए देखे गए। एक्सपेक्टेड है चने के भावों में भी आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं और सभी दालों के अंदर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो चने के अंदर और बाकी दालों में भी गिरावट का ट्रेड अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 4,800 तक के लेवल चने में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन पैक की बात करें तो खल के अंदर हमने रिकॉर्ड तेजी आती हुई देखी और पिछले हफ्ते भाव करीबन 4.78% की गेंस के साथ हाईएस्ट लेवल पर 2483 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में आगे डिमांड कंटिन्यू रहेगी और भावों में 2700 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट 2200 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस 2700 का रहेगा, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है।